हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि आपको पता है 21 फरवरी को पेपर है फिजिक्स का। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर झटके वाली बात है बच्चों के लिए, क्योंकि हर साल फिजिक्स का पेपर मार्च में स्टार्ट होता था, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च। इस बार CBSE ने थोड़ा सा यहाँ पर खतरा कर दिया है, और इस मामले में कहूँगा कि ये बैच थोड़ा सा अनलक्की है, क्योंकि आपको फिजिक्स का पेपर, जो कि सबसे हार्ड पेपर आता है पूरे बोर्ड में, सबसे हार्ड पेपर फिजिक्स का आता है, तो ये पेपर अगर 21 फरवरी को होता है और पहले 5 मार्च को हुआ था, तो आपके पास कितने दिन कम हो गए आप कमेंट करके बताना, कितने दिन कम मिल रहे हैं आपको। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये एक इशारा है आपके लिए कि आपको पढ़ना है। मेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है कि मुझे फीवर है कई दिन से, क्या कई महीने से ही मैं ठीक नहीं हूँ, बट अब फीवर चल रहा है थोड़ा, और परेशानी चल रही है, और थोड़ा काम चल रहा है घर पे, तो इस तरह से। तो आपको पढ़ना है, और इसी वजह से मैं क्लास में ले पा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो आपको पढ़ना है और पूरी मेहनत से टाइम अपना देना है पढ़ाई में, अभी भी टाइम बचा है, क्योंकि कई बच्चे जो सोच रहे थे हम बाद में पढ़ लेंगे। देखो, मैथ्स में छुट्टी मिल गई आपको और सब्जेक्ट में छुट्टी मिल गई, लेकिन फिजिक्स में आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, बिकॉज आपका जनवरी पूरा जाएगा प्रैक्टिकल करने में, और फरवरी के 21 फरवरी कब आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं सलाह दूंगा, अपना टाइम टेबल बनाकर PYQ करने शुरू कर दो, एक एक पेज के नोट्स बना लो, और अगर आपको इस सबको करने में दिक्कत है, तो आप 1 दिसंबर से बेटा पार बैच ज्वाइन कर लो मेरा, जिसकी फीस केवल 1 दिसंबर से और 21 फरवरी तक 2000 रुपये है, 1900 रुपये, सॉरी, केवल 1900 रुपये। एक बेटा पार और लॉन्च होगा बाद में, वो 15-20 दिन का बैच होगा, उसकी फीस 1000 होगी। अभी 1900 रुपये पे करने हैं आपको, 9818777622, इस पर पे करके आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको इस बैच में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? ज़्यादा सीट नहीं है, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद। और हाँ, रामबाण गेस्ट पेपर ही बनाएंगे, हालांकि इस साल सारे सब्जेक्ट के तो नहीं बनेंगे, बट कोशिश करेंगे कितने बना सकते हैं, ठीक है? बाय।